हेलो फ्रेंड, दखल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरी पोदा शनिवार मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। लास्ट वाला जो सीन दिया था, जबरदस्त क्लिफ हैंगल सीन था। जबरदस्त सीन में रुका था। नानी वहाँ पे अनकॉन्शियस है, उसके सिस्टर घर आने वाली है एंड विलेंस लोग को भेजा गया है उनको मारने के लिए, पूरा फैमिली को। तो बहुत ही जबरदस्त सीन होने वाला है मेरे हिसाब से अभी जो सीन, क्योंकि दोनों विलेंस को नानी के बारे में थोड़ा हिंट हो गया है। मुझे तो लगता है कि वो कॉन्स्टेबल भी फंसने वाली है। ये सीन बहुत जबरदस्त होने वाला है ना। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, एक जबरदस्त सीन सरीपोदा शनिवार मूवी से ये देखकर अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। ये लो, वेट कर रहे विल। వచ్చినట్టున్నాడు ఎవరో అమ్మాయి రా, తాళం వేసిందని చెప్దామా? ఏ అమ్మాయి చూసుకోలేదా? హలో హలో నాన్న, ఇక్కడున్నా, ఇల్లు తాళం వేసింది. అంటే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావా? ఈ టైంలో ఎందుకు వచ్చావే? ఏమైంది నాన్న? ఏమైంది అంతా నీ తమ్ముడు చేసిన పెంట కాదు. ఏమైంది? బయట ఎవరు లేరా? లేరు. నువ్వు వెనక నుంచి వచ్చాయి అంటే ఇంట్లోనే ఉన్నావా? నువ్వు ముందు వెనక నుంచి రావే చెప్తాను. సరే సరే. బెంగళూరు మట్టిగడ్డ అన్ని అబద్ధాలు. ఏం నాన్న మాట్లాడుకో. ఎలా వచ్చావే? కార్లు. కార్లు ఎక్కడ పెట్టావు? బయట. ఏమైంది నాన్న? ఈ నా కొడుకు ఇక్కడే ఉన్నారా? సూర్య 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 లేవరా? అభి కబ్ సే సో రహా హై, సుబహ సే సో రహా హై. ఐసా క్యా ఖేలా లియా ఉస్కో? ఉస్తో క్యా బోలూం, अजीब काम क्या हुआ? वहां से कुछ घुसा है वो लोग। लग गया क्या उसको? नहीं पता नहीं, नहीं लगा नहीं है। चलो लेकिन आ गया अंदर। वो उठ नहीं रहा। నిజమైన కోపం అంటే ఏంటో తెలుసా? ఉస్కా జో వీక్నెస్. సూర్య సూర్య ఐ చప్పట్లాడే. వాహ్. इसको भी नहीं मालूम था कि मां वो किसी के थ्रू किसी को पैसा देता था, उसके बारे में जानने के लिए वो भी नहीं बोल रहा। वही बोला ना, लग गया है क्या? लगा है क्या? मुझे लग रहा है। बाप रे, oh.
నేను లగా నేను నేను ప్రెగ్నెంట్ అవ్వరకే తెట్టావు ఎంత చెప్పలేదే అంత పరేనే పెనా ఆగు నీ మారు चलो बड़े बहुत कितना बार है बड़ी स्पीड दिखा रहा है बहुत बहुत फास्ट वाह भाई अच्छा उसको ओ, देख रहा फोन वो काम से जाना था ना उसको उसको भी टाइम आ गया लग रहा है ये कहाँ पे अच्छा उसका वो क्लब में सुबह नहीं मारता है ना शाम को है अलग अलग जगह में चल रहा था आया बोल रहा नहीं कार्ड का वो कनेक्शन कैमरा का अच्छा आज आज वो बोलो है ना हाँ कार्ड के वो बोला आ जाओ करके मारेगा तो वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा कुछ सीसीटीवी तो सिक्योरिटी होगा ना ये कोई पहचान नहीं क्या कोई तीन लोग हैं बाप बाप कितना लोग को भेजा है बच्चे निकलो कौन है वो सिक्योरिटी और क्या नहीं नहीं उसका फ्रेंड है ऑफिस तो भी बड़ी क्लॉन है क्या भाई उसको वहां भी चलो वहां जा रहा है 12 भी बज रहे हैं क्रोन अरे मार नहीं पाएगा हां मिस हो गया फाइटिंग भी नहीं कर पाएगा ना तो पर वो भी था ना तो अगर वो मिस कर गया वो 12 उसने तो माने ओके उसका मम्मी बोली बोल के नहीं मारना बोल आ गया आ गया तो मारने को नहीं आ रहा वो तो बच्चा था आ गया अच्छा हां लेकिन फाइटिंग नहीं कर सकता मैं बोला ना वो बचाने है ना वो तो उसको बचा रहा नहीं लेकिन वो 12 बच गया और मार नहीं रहा नहीं मारेगा या तो सब बोला था 12 बज के छोड़ दे रहा है वो भी 12 बजे देख रहा है वो कहीं हाँ चला गया वो भी चल रही है अरे लेकिन वो था ना 12 बज गया छोड़ दिया तो वो था ना फिर नहीं मारेगा नहीं फिर मारेगा तो नहीं मारेगा नेक्स्ट सैटरडे का वेट करना पड़ेगा महाबू रनिंग ट्रेन का वो तो अल्टीमेट ये वाला
मिलने का सिचुएशन जबरदस्त हुआ। దయా కుర్మాని చంపబోతున్నట్టు కుర్మకి తెలిసేలా చేస్తే చాలు, ఆ దయాని కుర్మానే చూసుకుంటాడు. दिया भागना इसको जल्दी डबल फाइटिंग सीन अच्छा स्टाइलिश भी है वो फाइटिंग और ये फाइटिंग घर वाला एक पहचान था एक उसको पहचान था पुलिस वाला अब ये गवर्नमेंट बात ही जल्दी मारे था बाप रे अब नहीं मारे हैं वो कौन है बोल तो पता नहीं पता याद नहीं आ रहा वो ये वो आदमी एरिया का तो आदमी नहीं है अच्छा हाँ एरिया का हो सकता है वो तभी तो वो जाके बताएगा ना सबको कि कोई मारा उसको करेक्ट ये जाके बताएगा दे, दे। हम लोग के इससे कोई मारा करके मास्क पहन के इंतलो तप्पिंदे इसका अलग अटेंशन तमुड़ नन्नो మీ అన్న మనుషులు మన కోసం ఎదుగుతూ ఉంటారు సార్ వాళ్ళ కంటపడిన చోట ఏమైనా చూస్తారు నా తమ్ముడు నన్ను మన సీఏ గాని కొట్టేరా నా కొడుకు పైసా వసూలు సీన్తా दोनों फाइटिंग का जो सिचुएशन था एक्चुअली अच्छा क्या सिर्फ फाइटिंग नहीं था फाइटिंग में भी टेंथ मोमेंट है सिचुएशन ऐसा है कि वहां पे बचाना है उसको पूरा उसका फैमिली को लेक भी जाना हॉस्पिटल वो फाइटिंग जबरदस्त दिखाया पूरा बचाना उचाने का फाइटिंग वाइटिंग और इसमें 12:10 के 12 बजे तक ही मारना है उसको उसको बचाना है इसको मारना है पता नहीं चलना है फाइटिंग में जबरदस्त दिखाया परफेक्ट और वो देख वो सिचुएशन में कितना मस्त दिखाया वो जो वेटर लड़का का भी क्या सिचुएशन में ऐड हुआ स्टार्टिंग में जब बचाया था ना कभी मैं सोचा नहीं उसको सेकंड टाइम हमको उसको लड़का देखने के लिए सोच नहीं था भाई कि उसका देख वो जो 10 मिनट हमेशा आगे कर देता है कितना काम आया अभी बचाया था तो गजब दिस तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले था ये पर्टिकुलर सीन का अच्छा सिचुएशन क्रिएट किया डायरेक्टर और फाइटिंग जबरदस्त जबरदस्त किया फाइटिंग तो बहुत ही अच्छा था बहुत अच्छा था वो तो ऑलमोस्ट 360 डिग्री फाइटिंग जैसा था एक सीन जो फास्ट फास्ट हो रहा था घर के अंदर पट चल रहा था पूरा इसमें भी मजा है जो मारा है उसको क्या दया को दया नहीं दिखाया थोड़ा भी एक और जो पोल वाला उड़ के मारा हुआ एक स्लाइड करके मारा है मस्त है दोस्तों पैसा उसको चीन है मेरे हिसाब से आगे अभी अब तीनों पार्टी को पता चल गया माने अब मुरली जोशी को भी पता चल गया कि वो उसको मारना था उसको मार रहा उसके लेकिन वो भी पता लगा कोई एक और भी आदमी था बोल के कौन था नहीं नहीं अभी सिर्फ वो भाई के बारे में ही बोल रहा है कि वो चाहिए करके अभी वो जो जे जो दया कैरेक्टर है सूर्या वो पता लगाने ने ये कौन है 12 बजे देख के रुक गया था फिर मारने भी आया वो पता लगाने ट्राई करेगा ना मुझे तो डर है वही अभी भी उसकी जो जो हीरोइन है उसका पक्का अभी भी लग रहा मोबाइल मोबाइल तो पकड़ी थी वो लास्ट है ना होप वो उसके पास ना हो बट वो अभी भी मुझे देखना है दोस्तों इगली सीन आगे का सीन का वेट रहेगा देखते हैं क्या है इसमें सिचुएशन अभी मुझे लगता है जबरदस्त सीन तो होने वाला है लगातार क्योंकि ना उसको एक तो भी नानी का जो कैरेक्टर है सूर्या वो पहले पता लगेगा उसका जो उसको उसका फैमिली को कौन अटैक करने आया था उनको भी उधर मार होना बाकी है और ह्यूज वाला है ना ठीक है दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय